नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। पैदल चलने वालों के लिए खुशखबरी है, अगले कुछ महीनों में मुंबई की कई सड़कों के किनारे मौजूद फुटपाथ का चेहरा बदल जाएगा। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर फुटपाथ को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा भी कई अन्य निर्णय लिए गए। फुटपाथ को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। बैठने के लिए लगने वाली बेंच, दिशा सूचक बोर्ड समेत अन्य सामग्री एक समान होगी। इसके अलावा दुकानों पर लगने वाले बोर्ड एक तरह के होंगे। एक अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस विभाग दुकानों के बोर्ड का स्टैंडर्ड तय करेगा, फिर केवल उसी तरह के ही बोर्ड लगाने की अनुमति होगी। कोर्ट के एमजी रोड पर इस तरह की पहल हो चुकी है। इस तरह की समानता लाकर शहर का चेहरा बदलने की कोशिश है। इसके जरिए पर्यटकों को आकर्षित भी किया जा सकता है। हाल ही में बनारस से लौटे एक पर्यटक ने कहा कि विश्वनाथ गली में सभी दुकानों का एक समान बोर्ड है, सड़क किनारे लाइटें भी एक जैसी हैं, जिससे इलाके की खूबसूरती बढ़ गई है। टूटे टाइल्स, पेवर ब्लॉक और तत्काल मरम्मत कर फुटपाथ को चलने योग्य बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में बीएमसी ने शिवाजी पार्क के आसपास के फुटपाथ की स्थिति सुधारने का भी अभियान चलाया है, जिसका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। गौरतलब है कि मुंबई करों को फुटपाथ पर अतिक्रमण और टूटे फूटे पेवर ब्लॉक की जगह से चलने के समय काफी परेशानी होती है। फुटपाथ के लिए अलग से बजट आवंटन करने के बावजूद अब तक कोई खास काम नहीं हो सका है। फुटपाथ की बदहाल स्थिति से लोग रोड पर चलने को मजबूर होते हैं, जिससे ट्रैफिक की गति भी धीमी होती है और लोगों के घायल होने का भी खतरा बना होता है। भविष्य में गार्डन की दीवारों की जगह पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का भी निर्देश दिया गया, जिससे सुरक्षा भी बढ़ सके और लोग बाहर से भी गार्डन के अंदर देख सके। मुंबई के अधिकांश गार्डन में रेलिंग लगे हुए हैं, जिससे लोग आर पार आसानी से देख सकते हैं। हाल ही में गार्डन के लिए पॉलिसी में कई लोगों ने रेलिंग व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने का सुझाव दिया है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों के लिए देखते रहे एचएम न्यूज़।